आज के समय में जो हमारा ऑनलाइन एजुकेशन की बात हम लोग कर रहे हैं, कोविड-19 की बात हो रही है, शिक्षा को ऑनलाइन मोड में ले जाने की बात कर रही हैं, इसके लिए कहीं ना कहीं हम हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे शिक्षक जो हैं पूर्ण रूप से तत्पर हैं, पूर्ण रूप से तैयार हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जो शिक्षकों का जो रोल है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि समाज में चाहे वो आज का दौर रहा हो, चाहे पहले समय रहा हो, समाज को एक महत्वपूर्ण भूमिका होती थी, उनका एक अमूल्य योगदान रहा है, और उसमें जो समाज एक विकास की ओर निश्चित रूप से अध्यापक जो है एक समाज का जो है एक विद्यार्थी के लिए एक रोल मॉडल रहा है, क्योंकि विद्यार्थी अध्यापक जिस प्रकार से कार्य करता है, जिस प्रकार से उसका एटीट्यूड होता है, जिस प्रकार से उसका एप्टीट्यूड होता है, अपने कार्य के प्रति उसका जो डेडिकेशन होता है, वही चीज़ जो है वो विद्यार्थियों के अंदर दे पाता है, क्योंकि विद्यार्थी उसको अपना रोल मॉडल मानते हैं। और इस प्रकार से अध्यापक की बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने कार्य को, अपनी ड्यूटी को, अपने कर्तव्य को सही समय पर जो है पूरा करे, क्योंकि वो एक तीनों चक्र में रहता है, उसके ऊपर जो है स्टूडेंट्स की जिम्मेदारी भी होती है, उसके ऊपर पाठ्यक्रम को पूर्ण करने की जिम्मेदारी भी होती है, उसके ऊपर सोसाइटी को एक आगे सही मार्गदर्शन देने की जिम्मेदारी भी रहती है। क्योंकि हमने देखा है कि प्राचीन समय में जब भी समाज को किसी मार्गदर्शन की आवश्यकता होती थी तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण अध्यापक को ही उसमें महत्व दिया जाता था, उसके उनके आदर्शों को अपना करके, चाहे वो कोई राजा रहे हों, चाहे कोई बड़े पदाधिकारी हैं, बिना अध्यापक की सहमति से, बिना उनके मार्गदर्शन से वो किसी भी कार्य को आगे नहीं करते थे। उसी प्रकार आज के दौर में भी जो है अध्यापक की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन गई है कि वो छात्र के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट तैयार करें, एक ऐसा माहौल तैयार करें जिससे कि छात्र जो है मोटिवेट हो सके, उसको फैसिलेट किया जा सके, उसको हाई लेवल थिंकिंग का बच्चा जो है उसको बनाया जा सके, ताकि वो समाज में जो है एक नई चीज़, एक नई जानकारी जो है उभर करके आए। उसको स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसी रिलेशनशिप हम अध्यापक को होनी हो चाहिए ताकि अध्यापक और टीचर्स दोनों जो है मिलकर के समाज को एक सही दिशा दे सकें। ये एक कंस्ट्रक्टिव ऑफ सोसाइटी का काम जो है हमारे अध्यापक का ही है, क्योंकि अध्यापक के बिना समाज का एक सही निर्माण नहीं हो सकता। वो एक मैनेजर है, इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारे हमारे वीडियो इस पर जो हैं उपलब्ध हैं, जिनके माध्यम से बड़ी आसानी हो जाती है, बड़ी सुविधा हो रही है, तो हम यहाँ पर जो हैं इसके बेस्ट टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत सारे मूल्यांकन कर रहे हैं, मल्टी यूजर वर्चुअल एनवायरनमेंट्स हम तैयार कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो हैं इसके माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से जो हैं उसमें जुड़ रहे हैं, इंटरनेट के माध्यम से जुड़ रहे हैं, तो ये एक हमारे उसके लिए बहुत बड़ा जो है योगदान है, हमारे विद्यार्थियों के लिए, हमारे शिक्षकों के लिए, हमारे नए जो शोधकर्ता हैं उनके लिए, और एक नई सोच, नई टेक्नोलॉजी जो है हमको प्राप्त हो रही है। आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारे छात्र जो हैं, अधिकतर छात्र जो हैं घर पर रह करके पढ़ाई कर रहे हैं, वो अपना एक 10 बजे से जो उनका शेड्यूल बना हुआ है, 10 बजे से 1 बजे तक या 2 बजे तक, उसमें स्टूडेंट जो बच्चा है हमारा वो उससे जुड़ा हुआ है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो स्टूडेंट जो अपने कॉलेज में, अपने विद्यालय में जो शिक्षा प्राप्त कर रहा था, वो वहाँ पर भले से ही थोड़ा लापरवाही कर रहे होंगे, लेकिन घर पर रह करके बड़ा मुझे सीरियसली जो है वो दिखाई दे रहे हैं, और वो अपने जो टारगेट उनका है, जो मैडम ने या जो सर लोग जो है उनको कार्य देते हैं, वो अपने ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से उसको पूरा कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, और निरंतर उसके लिए जो है वो लगे रहते हैं। तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे इस समाज में जो है देखने को मिल रही है, एक बड़ा बदलाव इस नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से देखने को मिल रहा है, तो ये एक बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए, और एक ऐसा लर्निंग एनवायरनमेंट बन रहा है जो हमको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा है। बहुत सारे संस्थान जो हैं अब हमको ऑनलाइन एजुकेशन की बात कर रहे हैं, बहुत सारे कोचिंग्स जो हैं ऑनलाइन हो रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी जो हैं संतुष्ट हमको दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो अपने, जैसे अभी बात करते हैं, मान लीजिए बच्चों को हम लड़कियों को दूर दूर नहीं भेजना चाहते हैं, दूसरे शहर में नहीं भेजना चाहता, तो कहीं ना कहीं हमारी जो बेटियाँ हैं, हमारी जो बच्चियाँ हैं, वो हायर एजुकेशन जो है उसको ले रही हैं, उसको प्राप्त कर रही हैं, और इस प्रकार से जो है हमारा विकास की ओर जो है हमारा समाज जा रहा है। तो ये थोड़ा वर्चुअल्स के बारे में हमने आपसे बात किया है। दूसरा, एक
जो है यदि हम टीचर्स की एक जिम्मेदारी जो है समाज में बहुत ज़्यादा है, इसके ऊपर अगर बात करते हैं, एक डेफिनेशन है, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशन इज प्रोसेस वेयर द होल कम्युनिटी ट्रांसमिट्स अप्रोप्रिएट वैल्यू ट्रेडिशन स्किल एंड कल्चर नॉर्म्स एंड एकेडमिक सक्सेस ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। क्योंकि आज जो शिक्षक की सबसे बड़ी जिम्मेदारी हो गई है वो वैल्यू एजुकेशंस की हो गई है, मूल्यों की बात करने की बात हो गई है। मूल्य हमारे समाज से गायब हो रहे हैं, हम अपने बच्चों को जो है अच्छे संस्कार नहीं दे पा रहे हैं, ये सोचने की आवश्यकता है। ये जिम्मेदारी हमारे शिक्षक की, हमारे अभिभावक की, स्टूडेंट्स की, मित्रों की, ये बड़ी जिम्मेदारी जो है आज हमारे समाज पर आ गई है। आज हमारे शिक्षक की जिम्मेदारी बन गई है कि बच्चों के अंदर ऐसे गुण पैदा करें जो उसको एक सही मार्गदर्शन की, एक सही विकास की ओर ले जा सकें, जिस प्रकार से हमारे देश को जो है विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त था, वही विश्व गुरु का दर्जा आज भी हम उनको बनाए रखना चाहते हैं। क्योंकि जब तक हमारे अंदर ये संस्कार नहीं होंगे, वैदिक संस्कार नहीं होंगे, परंपरागत संस्कार जो हम थे उनको, हम जो अच्छी चीज़ें हैं उसको हमको निश्चित रूप से अपनाना होगा। और बच्चों के अंदर जो आगे बढ़ने की, गलत तरीके से आगे बढ़ना या कुंजी के माध्यम से बढ़ना, ये सारी चीज़ों को जो है हमको दूर करना होगा। कहीं ना कहीं ये टीचर्स की जिम्मेदारी बनती है कि टीचर्स अपने आप को एक रोल मॉडल के रूप में जो है प्रस्तुत करें। क्योंकि शिक्षक एक ऐसा व्यक्ति है जिसके आधार पर उसके जो छात्र होते हैं वो अनुयायी होते हैं, और जैसा शिक्षक को वो देखते हैं वैसा ही जो है बच्चे बनते हैं। जैसे शैदा ने कहा है, यदि शिक्षक जलता हुआ दीप नहीं तो वह दूसरों में ज्ञान के प्रकाश को प्रकाशित करने में असमर्थ रहेगा। तो शिक्षक के अंदर वो एटीट्यूड, वो एप्टीट्यूड, वो जिज्ञासा होनी बहुत ज़रूरी है, तभी वो जो है अपने ज्ञान को दूसरों तक पहुंचा सकता है, नवीन ज्ञान को जो है वो दूसरों तक पहुंचा सकता है। तो शिक्षक को एक बड़ा जो है जिम्मेदारी है निरंतर अध्ययन करने की, और उसको एक ऐसी जो है सक्सेसफुल लर्निंग की आवश्यकता है। जो सक्सेसफुल अगर वो लर्निंग करना चाहता है तो इसके लिए उसको जो है निरंतर अपडेट होना होगा, नई लर्निंग स्ट्रेटेजी को उसने अपनाना होगा। अपने उसकी ये भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने स्टूडेंट्स को हमेशा एक्टिव रखें, निरंतर जो है अपने व्यवहार को जो है कुशल रखे, अच्छा रखे। और बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है हमारे अध्यापक की है, और उसको एक गुड टीचर्स बने रहने की आवश्यकता है, गुड लर्नर बने रहने की आवश्यकता है, क्योंकि गुड सिटीजन उसको आवश्यकता है, वैल्यूएबल एजुकेशन की आवश्यकता है, और मॉरल एजुकेशन उसकी आवश्यकता है। ये सारे जो हैं उसको अध्यापक के अंदर ये सारे जो हैं गुण होने चाहिए, और तभी वो एक स्टूडेंट्स में ट्रांसफर कर सकता है, तभी वो एक समाज को एक सही दिशा की ओर जो है ले जा सकता है। तो अध्यापक की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आज के दौर में हमको देखने को मिल रही है। क्योंकि यदि अध्यापक के अंदर नॉलेज नहीं है, विकास की ओर वो नहीं है, कॉग्निटिव एबिलिटीज के अंदर नहीं है, पेरेंट्स एंड टीचर्स दोनों मिलकर यदि आपस में बात नहीं कर रहे हैं तो समाज को एक सही दिशा नहीं दे सकते हैं, उस विद्यार्थी को एक सही मार्ग नहीं दिया जा सकता है। सबसे बड़ी चीज़ है कि अध्यापक की एक और विश्वविद्यालय में, कॉलेज में, स्कूल में जिम्मेदारी है कि उनको ये जानना बहुत आवश्यक है कि मेरा जो विद्यार्थी स्कूल में, कॉलेज में पढ़ने के लिए आ रहा है उसके पास क्या सुविधाएं हैं, उसकी जो पेरेंट्स हैं वो उनका ऑक्यूपेशन क्या है, उनकी फैमिली इनकम क्या है, किस तरीके से बच्चा जो है विश्वविद्यालय में आ रहा है। क्योंकि हम यदि ऑनलाइन एजुकेशन की बात करते हैं, वर्चुअल एजुकेशन की बात हम कर रहे हैं, तो इन सब के लिए हमारे पास क्या, हमको देखना है कि क्या हमारे सारे विद्यार्थियों के पास मोबाइल फ़ोन उपलब्ध हैं, क्या उनके पास लैपटॉप उपलब्ध है, क्या उनके पास घर पर प्रिंटर उपलब्ध है, कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंट्स उनके पास किस तरीके का है, चेयर्स उनके पास हैं, टेबल्स उनके पास हैं, न्यूज़पेपर उनके पास कौन से पढ़ रहे हैं, निरंतर जो है उनके जो क्या क्या सुविधाएं उनको मिल रही हैं। ये भी हमारे अध्यापक को एक बड़ी जिम्मेदारी है उस समाज के बारे में जानने की जो विद्यार्थी उनके पास आ रहे हैं अध्ययन करने के लिए आ रहे हैं। तो ये अध्यापक
बहुत ही मोटिवेशनल पर्सपेक्टिव्स होता है उसको, ये सारी चीज़ें जो हैं जानना बहुत ज़रूरी है। बच्चे की जो हॉबी है उसको उसको जानना चाहिए, क्योंकि जब तक वो अध्यापक हॉबी को नहीं जानेगा तब तक वो विकास नहीं कर सकता अपने विद्यार्थियों का, क्योंकि बच्चे के अंदर स्किल होते हैं। उन स्किलों को पहचानने की जिम्मेदारी जितनी पेरेंट्स की है उतनी ही जिम्मेदारी अध्यापक की भी होती है। अध्यापक का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। पेरेंट्स जिस प्रकार से अध्यापक को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, उसके ऊपर यदि हमारा बच्चा जो है बात मानता है तो सबसे ज़्यादा वो अध्यापक की मानता है, मैडम की बात मानता है, अपने गुरु की बात मानता है, अपने माता पिता की बात को एक बार वो अवॉइड कर सकता है लेकिन वो अध्यापक की बात को जो है अवॉइड नहीं करेगा। इसलिए अध्यापक को बहुत ही सोच समझ के समझदारी से अपने कार्य को करना होगा, अपनी एक्टिविटीज़ को पॉजिटिव रूप से करना होगा, तभी जो है एक समाज में जो है वो एक नए जो लीडर हैं, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर की बात हम करें, चाहे वो सोशल लीडर की बात करें, सोशल वर्कर की बात करें, होनेस्टी की बात करें, आगे बढ़ने की बात करें, डेडिकेशन की बात करें, तो ये सारी चीज़ें एक अध्यापक अपने स्टूडेंट्स में ट्रांसफ़र कर सकता है। और ये सब तभी हो पाएगी तब ये सारी चीज़ें हमारे टीचर्स में होगी। अभी हमारे जो है रिसर्च जो करते हैं बच्चे, उनको हम लोग यही स्टेप बाय स्टेप जो है सिस्टम से बहुत सारी चीज़ें जो हैं सिखाते हैं, नए टेस्ट सिखा रहे हैं, तो नए नए रिसर्च कराते हैं, एक्शन रिसर्च कराते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी के लिए लाभदायक होते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो हम लोग बहुत सारी पीएचडी विश्वविद्यालय करा रहे हैं वो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के हित के लिए लाभदायक हो, उनको पढ़ने के लिए मिले। आज जो है यद्यपि विश्वविद्यालय के द्वारा जो है वो लाइब्रेरी में उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिसके माध्यम से रिसर्चर्स या जो भी ज्ञान का पिपासु व्यक्ति होता है वो वहाँ जा कर के उसको पढ़ लेता है। एक थोड़ा सा हम परीक्षा से संबंधित इसी में आपसे बात करेंगे कि आज के समय में जो है परीक्षा ऑनलाइन हो रही है। अब ऐसे समय में ये है कि क्या ऐसे ऑनलाइन एक अच्छा माध्यम है? क्या हम उससे विद्यार्थी के अंदर जो उसने ज्ञान है क्या उसको हम जान सकते हैं, या उसको सही तरीके से जो है पूर्ण ज्ञान को पहचान नहीं कर सकते हैं? तो ऑनलाइन भी एक अच्छा माध्यम है। अभी बहुत सारे विश्वविद्यालय जो असाइनमेंट होते हैं उस असाइनमेंट को जो है वो ऑनलाइन के माध्यम से ऑब्जेक्टिव टाइप के माध्यम से जो है नई शिक्षा जो है वो इसमें लागू होने जा रहा है, और बहुत सारे विश्वविद्यालय इसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। उसी प्रकार से परीक्षाएं जो हमारी रिटर्न में होती हैं, वार्षिक परीक्षाएं होती हैं, सेमेस्टर परीक्षाएं होती हैं, वो परीक्षाएं भी जो हैं अब कहीं ना कहीं ऑनलाइन का एक माध्यम खुलने जा रहा है ऑफलाइन की अपेक्षा, क्योंकि ऑनलाइन से कहीं ना कहीं हमारा जो पेपर है या दूसरा जो पर्यावरण पर जो हमारी ये कागज़ हैं, पेपर हैं, पुस्तकें हैं, ये कहीं ना कहीं कमी आएगी जो हमारे पर्यावरण के लिए लाभदायक होंगी, और हम समय से अपने परीक्षा परिणाम को निकाल सकते हैं। तो इस और भी विश्वविद्यालय जो हैं कार्य कर रहे हैं, और ये सब काम जो हैं सिर्फ मशीनों से नहीं हो सकते, इसके लिए भी अध्यापक का जुड़ना बहुत ज़रूरी है, और अध्यापक का एक बड़ा योगदान होता है, चाहे वो असाइनमेंट बनाने की बात हो, चाहे वो पेपर तैयार करने की बात हो, तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसको करनी होती हैं परीक्षा से संबंधित। ये हमने आपसे बात किया, तो शिक्षक कहीं ना कहीं जो जिम्मेदारी उसकी बनती है अपने विद्यार्थियों को पहचानने की, कि वो विद्यार्थी जो है किस सोसाइटी से आ रहा है, क्योंकि ये इफेक्ट पड़ता है यदि हायर उच्च परिवार का व्यक्ति है, गरीब परिवार का बच्चा है, धनाढ्य परिवार का बच्चा है, सुख सुविधा का बच्चा है, तो कक्षा में यदि अध्यापक एक सही एक ही माध्यम से पढ़ा रहा है, उसको सारे बच्चे जो हैं 50 बच्चे उसको पढ़ रहे हैं, तो ये ज़रूरी नहीं कि 50 के 50 बच्चे उसी को जो हैं उसी प्रकार से ग्रहण कर लें कि 50 बच्चों की समझ में वो सारी चीज़ें आ जाएं। यद्यपि अध्यापक का माध्यम एक है, अध्यापक से एक ही तकनीक से सभी बच्चों को पढ़ा रहा है, तो इसको भी अध्यापक की बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने उन स्टूडेंट्स को पहचाने कि क्या हमारे कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो इस अध्ययन कराने के बाद भी समझ नहीं पा रहे हैं। हाँ, ये बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि कक्षा के अंदर अनेक प्रकार के बच्चों से हो सकता है कि कक्षा में कोई डिसेबिलिटी बच्चा भी हो,
और डिसेबिलिटी बच्चा यदि हमारी कक्षा में है तो हम बहुत ज़रूरी है कि हम उस बच्चे को पहचानें। उस बच्चे को पहचान करके उसके लिए हमें एक्स्ट्रा टाइम की आवश्यकता होगी, रिमेडियल क्लास की ज़रूरत होगी, कक्षा के बाद विश्वविद्यालय समय के बाद भी हमें आवश्यकता है उस बच्चे को पढ़ाने की, उसको ये जानने की कि ऐसी क्या बात है कि बच्चा जो है नहीं समझ पा रहा है। तो ये एक प्रभाव उसका पड़ता है बच्चे की जो है, यदि प्रॉब्लम होती है, चाहे वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम का भी होता है या बच्चे में कोई डिसेबिलिटी होती है, उसका प्रभाव भी हमारी एजुकेशन पर पड़ता है, वो लर्निंग पर पड़ता है। कहीं ना कहीं जो अच्छे बच्चे हैं, जो फैसिलिट जिनको घर से परिवार से होता है, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा उसमें सीख पाते हैं। एक हम बात करेंगे एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज का भी, इस पर ध्यान देना चाहिए टीचर्स को, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो हैं एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, क्योंकि हो सकता है उनके पास वो समय का अभाव हो सकता है उनके पास उतनी पैसा नहीं हो कि वो विश्वविद्यालय में जो है उस फीस को जमा कर सकें, उस एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जिसके बाद कहीं ना कहीं उनका जो ग्रेड होता है वो पुअर होता है उन विद्यालय के अपेक्षा, उन बच्चों की अपेक्षा जिनकी इनकम जो है हाई है, अधिक है उन गरीब बच्चों की अपेक्षा। तो अध्यापक की ये भी जिम्मेदारी बनती है कि करिकुलम एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट बच्चा क्यों नहीं कर रहा है, उसको समान तरीके से उसको फैसिलेट कराने की जिम्मेदारी भी हमारे अध्यापक की है, हमारे शिक्षक की है। सभी एक्टिविटीज में उसको पार्टिसिपेट कराएं, चाहे वो कुछ फीस कम करें या निशुल्क करें, बहरहाल हर बच्चे को हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट या डिफरेंट तरीके से जो उनके कौशल स्किल होते हैं, जो उनकी हॉबी होती है, उन हॉबियों को अध्यापक जान करके पहचान करके जो है उस प्रकार से वो जो है उनमें पार्टिसिपेट कराना अध्यापक की जिम्मेदारी है। क्योंकि जब तक हम इन कंडीशंस को नहीं पहचानेंगे, इनको इम्प्रूव नहीं करेंगे, तो हम लोग एक सही ड्यूटी को नहीं निभा रहे होते हैं। अभी आप देखेंगे कि जो इंटर कॉलेज हैं या पब्लिक स्कूल हैं, वहाँ पर एमटीए पीटीए मीटिंग्स होती हैं, अध्यापक माता पिता से मिलते हैं, वहाँ पर अध्यापक आते हैं। कुछ अध्यापक ऐसे भी हैं जो माता पिता से नहीं मिल पाते हैं या अभिभावक उनके नहीं आ पाते हैं, तो उस चीज़ को हमको जो है पहचानना होगा कि ऐसी क्या कारण है कि अभिभावक जो है नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे अभिभावकों को हमको टेलीफोनिक या दूसरे माध्यम से जो है उनसे मिलना होगा। हम उनको टेलीफोन के माध्यम से समय लेकर के और वहाँ पर हमको जो है उनसे बात करनी होगी, तभी जो है ये एक सही तरीके से सही मार्गदर्शन जो है बच्चों को दिया जा सकता है। तो एमटी पीटी भी एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। टीचर से हमको बात करने की आवश्यकता होती है कि हम जो है टीचर से बात करें, पेरेंट्स से बात करें, उसके जो है स्कूल में जो बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, जैसे अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो पब्लिक स्कूल हैं वो पेरेंट्स को अपने यहाँ पर बुला रहे हैं, और बुलाने पर जो है पेरेंट्स आकर के उस एक्टिविटीज को देखते हैं और समझ रहे हैं। तो यदि बच्चा जो है एक्टिविटीज करते करते कर रहा है, तो कहीं ना कहीं अभिभावक जो है वो खुश होता है, प्रसन्न होता है, और मैडम या सर जो है आप उस बच्चे के बारे में बताते हैं कि आपका बच्चा इस एक्टिविटी में ज़्यादा पार्टिसिपेट करता है और इसको इस रास्ते पर यदि आप सही मार्गदर्शन देंगे तो शायद ये बच्चा भविष्य में इस क्षेत्र में ज़्यादा विकास कर सकता है। तो ये अध्यापक की जिम्मेदारी है कि वो उस समाज में उन पेरेंट्स से जाकर के मिले, उस विद्यार्थी के जो मित्र हैं, साथी हैं, उनसे बात करें। तो इंटरेक्शन जो है टीचर्स और सोसाइटी का बहुत ज़्यादा आवश्यक है। सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदारी है समाज को विकास करने की, वो एक अध्यापक की ही है, क्योंकि अध्यापक उसको जो है निरंतर जो है कम्युनिकेशन रिलेशन जो है उसको बनाए रखना होगा। दूसरा हाँ, ये कहेंगे कि अभी बहुत सारे जो हैं कम्युनिटी वर्क विद्यालय कराते हैं,
बहुत सारे जो हैं अभी देखे हैं कि विश्वविद्यालय जो हैं अनेक गांव को गोद ले रहे हैं। वहाँ पर गोद लेने में ये हो रहा है कि वहाँ का जो शिक्षा का, बच्चों का जो शिक्षा का स्तर है वो किस प्रकार का, वहाँ पर किस प्रकार से जो है मेडिकल सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं, किस प्रकार से वहाँ के ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं हैं, कम्युनिकेशन वहाँ पर किस तरीके का है, एजुकेशन फैसिलिटी वहाँ पर क्या क्या है, किस स्तर का वहाँ स्कूल है, गांव में किस प्रकार की सड़कें हैं, ये हमारे विश्वविद्यालय हमारे कॉलेज आज के समय में इस दिशा में भी काम कर रहे हैं। जैसे अभी अनेक राज्य सरकारें जो हैं बहुत सारे गांव गोद ले रही हैं, उनका विकास कर रही हैं, धीरे धीरे वो 5 वर्ष के लिए लेते हैं, विधायक गोद ले रहे हैं, सांसद गोद ले रहे हैं, इसी प्रकार से अनेक विश्वविद्यालय अनेक कॉलेज जो हैं वो गांव को गोद लेकर के उनका विकास कर रहे हैं, मेडिकल कैंप लगा रहे हैं। हमने देखा कि बहुत सारे जो हैं गांव में मेडिकल कैंप अनेक संस्थाएं लगा रही हैं, लेकिन हमारे विश्वविद्यालय में भी जो अध्यापक हैं वहां जा करके उनको जांच कर रहे हैं, उनका निरीक्षण कर रहे हैं, उनको बहुत सारी सुविधाएं उनको प्राप्त कर रहे हैं। कुछ बच्चे इस टाइप से होते हैं, उनके अभिभावकों को पता ही नहीं होता कि हमको आगे बच्चों को किस प्रकार की एजुकेशन दिलानी चाहिए और जिससे कि बच्चा जो है आगे सही तरीके से जो है उन्नति कर सकता। तो ये काम भी हमारे अध्यापक के द्वारा जो है किया जा रहा है। जब वो गांव में जाते हैं, जब वो कम्युनिटी वर्क करते हैं, सर्वे करते हैं गांव में जाकर के, तो कहीं ना कहीं वो मार्गदर्शन भी उनको देते हैं। अभी आप देखिए बहुत से विकलांग बच्चे हैं देखने को मिल रहे हैं। विकलांग बच्चों को हम सामान्य स्कूलों में पढ़ाने की बात हो रही है, लेकिन सामान्य स्कूलों में उस तरीके से टीचर्स भी आज के दौर में ट्रेंड किए जा रहे हैं, स्पेशल बीएड कराया जा रहा है, स्पेशल एमएड कराया जा रहा है, शोध कार्य कराए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो बच्चा उन स्कूलों में उतना सही तरीके से नहीं पढ़ पा रहा है जितना कि वो स्पेशल स्कूलों में पढ़ सकता है। तो ये भी एक बड़ी जिम्मेदारी आज के दौर में हमारे अभिभावकों के ऊपर के साथ साथ जो है हमारे शिक्षकों का भी है कि वो उस बच्चे का मार्गदर्शन करें, उस अभिभावक का मार्गदर्शन करें, उसको वो बताए कि कहाँ पर जो है आपका बच्चा ज़्यादा अच्छी तरीके से शिक्षा प्राप्त कर सकता है। जैसे देहरादून में NIVH स्कूल है, वहाँ पर बहुत सारे जो हैं इंस्ट्रूमेंट्स उपलब्ध हैं, वो किसी भी प्रकार का बच्चा लर्निंग डिसेबिलिटी है, डिम या डफ है, या उसको बहुत सारी जो हैं फिजिकल्स प्रॉब्लम्स है, तो वहाँ पर ब्लाइंड बच्चा है तो उसको ब्रेल लिपि के माध्यम से जो है शिक्षण दिया जा रहा है, वहाँ पर BEd पाठ्यक्रम कराया जा रहा है, वहाँ पर MEd पाठ्यक्रम कराया जा रहा है, शिक्षक तैयार किए जा रहे हैं। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा भी जो है यहाँ पर BEd स्पेशल पाठ्यक्रम लर्निंग डिसेबिलिटी मेंटल रिटायरमेंट में जो है पाठ्यक्रम कराया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ऐसे बच्चों के लिए भी जो है मार्गदर्शन की आवश्यकता, उनको जागरूक करने की आवश्यकता है, उन युवाओं को जागरूक करने की आवश्यकता है जो अध्यापक बनना चाहते हैं, जो समाज की सेवा करना चाहते हैं, जो सोसाइटी का विकास करना चाहते हैं, जो ऐसे बच्चों के लिए काम करना चाहते हैं, ऐसे बच्चों के लिए जो है निरंतर प्रयास रहते हैं, तो वो ऐसे पाठ्यक्रम करके समाज की सेवा कर सकते हैं, समाज को एक सही दिशा दे सकते हैं। क्योंकि अध्यापक का सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है वो समाज का विकास है, क्योंकि व्यक्ति का भी विकास होगा, समाज का विकास होगा, समाज का विकास होगा, हमारे नागरिकों का विकास होगा, हमारा देश का विकास होगा, हमारा राष्ट्र जो है उन्नति की ओर अग्रसर होगा। तो कहीं ना कहीं अध्यापक इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका जो है राष्ट्र के निर्माण में करता है। यदि बाकी तो देखिए राजनेता भी होते हैं, वो देश के विकास के लिए कार्य करते हैं, सामाजिक नेता होते हैं, समाज का विकास करते हैं, लेकिन अध्यापक नेताओं को भी तैयार करते हैं, समाज के नेताओं को भी तैयार करते हैं, वो अधिकारी वर्ग को भी तैयार करते हैं, वो मध्यम वर्ग के जो अधिकारी होते हैं उनको भी तैयार करते हैं, ए क्लास बी क्लास जो भी होते हैं वो बड़े बड़े जजों को तैयार करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अध्यापक के माध्यम से जो है होती है। अब बड़े बड़े पदों पर पहुंचने के बावजूद भी जो है अध्यापक को नहीं भूल पाते हैं। क्यों नहीं भूल पाते हैं? इसका कारण यही है कि कहीं ना कहीं अध्यापक ने अपना पसीना बहा करके, अपना समय दे करके आज हमको इस मुकाम तक पहुंचाया है। ये बड़ी जिम्मेदारी जो है शिक्षक की है, एक विद्यार्थी अपने टीचर्स को जो है पहचानता है। और दूसरा जो है हमको सभी बच्चों के लिए जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी की जिम्मेदारी भी हमारी है, क्योंकि
उनको सारी जो है सुविधाएं बच्चों को यदि हम देंगे समान तरीके से देंगे, क्योंकि तो शिक्षक को ऐसा माना जाता है, शिक्षक के लिए सभी जो विद्यार्थी हैं वो एक समान होते हैं। शिक्षक ही एक ऐसा व्यक्ति है जो विद्यार्थियों के साथ में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है, नहीं द्वेष रखता है। इस प्रकार जो है उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात जो है अध्यापक करते हैं, क्योंकि उनके लिए कोई भी विद्यार्थी के बारे में वो ना उसका किसी प्रकार की नाराजगी उससे नहीं होती, किसी प्रकार का करंट नहीं होता है। उनके लिए तो सभी विद्यार्थी जो हैं समान होते हैं। वो ये चाहते हैं कि मेरे जो हैं 100% स्टूडेंट्स जो हैं आगे की तरफ बढ़ जाएँ, ऊंचाई की तरफ बढ़ जाएँ, बड़े बड़े पदों पर हो जाएँ। तो ये उसमें जो है सोशल नाम हो, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी वैल्यू उनके अंदर हो, वैल्यू कल्चर्स उनके अंदर हो। क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें अध्यापक और अभिभावक दोनों का नाम ऊंचा होता है। तो अध्यापक विशेष रूप से चाहता है कि मेरे बच्चे में जो है वैल्यू वैल्यू जो है उत्पन्न हो जाए, उनके अंदर क्रिएट हो जाए, वो अच्छे रास्तों की तरफ जो है आगे बढ़ें। ये अध्यापक की जो है एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। और वो सबसे बड़ा जो है रिमेडियल स्टूडेंट्स की बात अभी हमने की है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए भी अध्यापक जो है आज के दौर में जो है विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय हैं, चाहे कॉलेज हैं, चाहे अध्यापक अपने स्तर से जो है बच्चों को जो है समय दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज के समय में उतनी ही जिम्मेदारी अध्यापक की बन गई है जितनी की जिम्मेदारी हमारे वैदिक काल में रही है, बौद्ध काल में रही है, मध्य काल में रही है। क्योंकि उस समय भी अध्यापक को डेडिकेट माना जाता था जो, और उसी प्रकार से आज भी हमारे ऊपर जो है बड़ी जिम्मेदारी जो है समाज को जो है हो रही है। अध्यापक की आज की इस टेक्नोलॉजी में अपने विद्यार्थी को वो ई लाइब्रेरी के माध्यम से समझाएं, ऑनलाइन एजुकेशन कैसे होती हैं, मेल कैसे किया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो हैं टेक्नोलॉजी से खुद भी अपडेट रहें और अपने विद्यार्थी को भी वो अपडेट करें। आज क्योंकि बिना इस टेक्नोलॉजी को समझे हम आज के समय में अपना बहुत ज़्यादा विकास नहीं कर सकते हैं। इतना हम कह सकते हैं कि हाँ अध्यापक एक महत्वपूर्ण है, लेकिन टेक्नोलॉजी भी उसको आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका आज के समय में अदा कर रही है। तो हम इससे कहीं ना कहीं अन्यथा नहीं कह सकते हैं कि ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है कि टीचर्स को जो है एक ओपन जो अब बाउंड्री बनी हुई है उसको तोड़ना होगा। जो हम बंधन की बात करते हैं, जो नियमों की बात करते हैं, उसको हम कहीं ना कहीं उसमें सुधार करना होगा। अपनी जो हमारे आइडियाज हैं जो उनको जो है हमको शेयर करना होगा, एक्सचेंज करना होगा। हो सकता है कि ग्रुप एजुकेशन के माध्यम से, ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमारे विद्यार्थियों के लिए लाभकारी हो सकती हैं। जो ज्ञान मेरे पास है हो सकता है उसमें से 10 पॉइंट में से 2 पॉइंट बहुत अच्छे हों, 8 पॉइंट अच्छे हैं, लेकिन यदि हम 10 टीचर्स मिल करके किसी विषय पर अपने विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करेंगे तो उस प्रकार से जो है वो एक आइडिया एक्सचेंज होने पे से अच्छी दिशा की ओर जा सकता है। हम लोगों का विद्यार्थी शिक्षकों का भी ज्ञान बढ़ेगा और विद्यार्थियों का भी इसमें जो है ज्ञान बढ़ेगा। तो एक्सचेंज आइडिया बहुत आवश्यकता है आज के इस समय पर। हम लोग विशेष वर्कशॉप आयोजित करें, वर्कशॉप तो हम लोग आयोजित कर रहे हैं, बहुत सारे वेबिनार आज शुरू हो रहे हैं, सेमिनार के बदले आज वेबिनार शुरू हो गए हैं, तो उन वेबिनार के बारे में बच्चों को बताएं। क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरीके से कार्यक्रम होने से ज्ञान में वृद्धि होती है, नई जानकारी तो हमको मिल ही रही है, साथ ही साथ जो है एक तरीके से एक हम लोग एक क्लास के रूप में भी उसमें जुड़ गए हैं कि चलिए हो सकता है कहीं ना कहीं जो है हमको नई जानकारी जो है उसी वेबिनार के माध्यम से जो है मिलेगी। और स्पेशल कंटेंट जो है, कंटेंट हमारा होता है उस पर भी जो है सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जो हमारे आसपास बहुत से व्यक्ति इस टाइप से होते हैं कि जिनको हम नहीं पहचानते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में यदि आप देखेंगे या शहर में देखेंगे तो बहुत सारी व्यक्ति जो है जाने अनजाने जो है परंपरागत रूप से वो नई चीज़ को जानते हैं। मान लीजिए म्यूजिक के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत सारे गाँव में इस तरह से म्यूजिक टीचर्स आपको मिल जाएंगे। जो ट्रेन टीचर्स यदि वहाँ पर उपलब्ध नहीं है तो हम उन ऐसे व्यक्तियों के माध्यम से जो है उन व्यक्तियों को बुला करके अपने म्यूजिक सिखा सकते हैं। बहुत सारी नए कौशल जो हैं जो वहाँ पर क्राफ्ट्स का कार्य हैं उनको बुला करके वहाँ सिखाया जा सकते हैं। बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो नई नई टेक्नोलॉजी है वो ऐसे व्यक्ति अनट्रेन व्यक्ति के पास भी है, तो उनका हमको फायदा हो सकता है अपने विद्यार्थियों के लिए, अपने विद्यालय विद्यालयों के लिए, बच्चों के लिए।
तो अध्यापक की ये भी जिम्मेदारी है कि वो अपने आसपास ये भी देखे कि क्या हमारे आसपास कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारे विद्यार्थियों को लाभकारी, तो ऐसे व्यक्ति जो हैं उनको कोई पैसा भी वो नहीं लेते हैं और अपने आप को वो गर्वित महसूस करेंगे और अपनी तरीके से वो अच्छा देंगे वहाँ पर। तो ऐसे व्यक्ति को भी हमको अध्यापक को ढूंढना होगा और वहाँ पर अपने विद्यालय में, अपने कॉलेजों में, अपने स्कूल में, हो सकता है ड्राइंग के टीचर्स बहुत अच्छे हों जिनकी ड्राइंग बहुत अच्छी हो सकती है, कुछ और चीज़ वो हमारे बच्चों को सिखा सकते हैं। तो स्किल डेवलपमेंट की बात भी जो है यहाँ पर हो जाएगी और इससे एक नया एनवायरनमेंट भी जो है, एक नई नॉलेज जो है, डिफरेंट टाइप की जो है नॉलेज जो है बच्चों को हो जाए। तो ऐसे डिफरेंट टाइप के जो सोर्स जो है उसको अध्यापक को ढूंढना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि और दूसरा जो है पार्टिसिपेट कराना चाहिए। हम लोग तो पार्टिसिपेट करते हैं, अध्यापक तो पार्टिसिपेट करता है, लेकिन उसको अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को उस सोसाइटी में ले जा करके, उस समाज में ले जा करके वहाँ से इंटरेक्ट कराना चाहिए, बातचीत कराना चाहिए। वहाँ कम्युनिटी, डिफरेंट टाइप की जो कम्युनिटीज हैं, जो सोसाइटीज हैं, डिफरेंट टाइप की जो कास्ट हैं, डिफरेंट टाइप के जो लोग हैं, जो हमारा डिफरेंट टाइप के जो हैं हम काम करते हैं, कुछ खेती करते हैं, कुछ नौकरी करते हैं, कुछ अन्य व्यवसाय करते हैं, तो वहाँ पर उनसे बात कराया जाए। एग्रीकल्चर्स को भी आप घुमा सकते हैं, दिखा सकते हैं, जो हिस्टोरिकल प्लेस है वहाँ पर दिखा सकते हैं, ये क्यों बनाया है, किसने बनाया है, कैसा है, इसकी क्या क्वालिटी है। तो ये बड़ी चीज़ है हमको व्यवहारिक रूप से बच्चों को वहाँ पर ले जाना, उनको सिखाना, उस समाज से बात करना, उस समाज की जो अच्छाइयाँ हैं वो बच्चे खुद महसूस करेंगे, समाज के अंदर जो कमियाँ हैं उसको वो दूर करने का प्रयास करेंगे। तो ये बड़ी चीज़ है, इससे हमारा जो है निरंतर छात्रों में जो जो सीखने की जो क्षमता है, जो सही इंसाइट है वो दिखाई देगी। और जिस तरीके से हम, यदि मान लीजिए कक्षा में बैठ करके हम लेक्चर दे रहे हैं, तो बच्चा सुन रहा है, देख रहा है, लेकिन उसको रियलिटी नहीं दिखाई दे रही, हम सिर्फ उसको वही चीज़ दिखाएंगे, वही चीज़ हम उसको बताते हैं जो सही होती है, और बच्चे को लगता है कि समाज एकदम सही है, एकदम ठीक है। लेकिन यदि व्यवहारिक रूप से बच्चा जो है उस समाज में जाएगा, उन लोगों से मिलेगा, तो निश्चित रूप से जो है वो अपने सोचेगा और एक उसका पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा कि यदि समाज में गलत हो रहा है तो मैं शायद इस कदम को नहीं उठाऊंगा, मैं ऐसा कार्य नहीं करूंगा, मैं अपने परिवार के सदस्य या अपने भाई बहनों के साथ को जो है सही दिशा देंगे। तो ये आवश्यक है इंटरेक्शन करना विद्यार्थियों का सोसाइटी से। अभी बीच में बताया गया था कि समाज में कुछ और होता है, व्यवहारिक रूप में कुछ और होता है, ये एकदम सत्य है। उस सत्य को हमको पहचानना है, उस गलतियों को हमको दूर करना। सबसे बड़ा देखिए, हम कहते हैं कि दूसरे व्यक्ति में गलती है, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बताता हूँ, यदि आप अपने परिवार के सदस्यों को ही कमी निकालेंगे कि नहीं आपकी ही गलती है दूसरे व्यक्ति के अपेक्षा, तो निश्चित रूप से आप ये देखिए कि आपका जो बच्चा है, आपका जो छोटा भाई है, वो एक सही दिशा में जाएगा यदि आप उसके लिए गलत काम में सहयोग नहीं करेंगे। इससे हमारे जो समाज में जो बहुत सारी जो दुर्घटनाएं देखने को मिल रही हैं, ये कमी आएंगी यदि हम दूसरे के बालक को सुधारने के बजाय अपने ही बच्चे को सुधारेंगे। एक बड़ी उपलब्धि होगी हमें समाज को सुधारने में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये अध्यापक की एक जिम्मेदारी है, अध्यापक इसमें महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। उसके बावजूद जो है अध्यापक की एक और बड़ी जिम्मेदारी ये भी बनती है कि हमने अध्यापक बच्चे को जो है पढ़ा दिया है, ट्रेन करा दिया है, उसको बीएड करा दिया, उसको एमएड करा दिया, पीएचडी करा दी, बहुत सारे जो है हमने उसको सर्टिफिकेट उसके पास हो गए हैं, लेकिन उसके पास जॉब नहीं है, बेरोजगार है। तो ऐसी भी हमारी जिम्मेदारी बनती है एक शिक्षक को कि वो उसको अपॉर्चुनिटी प्रदान करें, उस जॉब के बारे में उसको गाइड करें, मार्गदर्शन करें कि किस पाठ्यक्रम को पढ़ने के बाद आप सही तरीके से आगे जॉब प्राप्त कर सकते हैं। बहुत से पाठ्यक्रम इस प्रकार के हैं कि जिस पे करने के बाद जो है नौकरी प्राप्त हो जाती। हमने देखा होगा कि अभी बीच में जो स्पेशल बीटीसी बीच में
1999 में आरंभ की गई थी। कहीं ना कहीं इसमें हमारा बहुत बड़ा जो है जो बीएड किए हुए साथी थे वो स्पेशल बीटीसी करके जो है वो अध्यापक बन गए हैं। और बाद में एक दौर ऐसा चला कि सभी लोग जो हैं बीएड की ओर मुड़ गए थे, और बीएड करने के बाद जो है उनको 6 महीने का स्पेशल बीटीसी पाठ्यक्रम करके जो है वो जॉब कर रहे थे। जबकि आज भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो है स्कूल हैं वहाँ पर अध्यापकों की आवश्यकता है, लाखों की संख्या में राज्यों में जो है पद रिक्तियाँ होती हैं, टीचर्स बन रहे हैं। तो बीएड पाठ्यक्रम करने के बाद, एमएड पाठ्यक्रम करने के बाद जो है वो अध्यापक की दौर में चले जाते हैं। बहुत सारे स्किल पाठ्यक्रम हैं उसके बारे में भी हम लोग जो है उनको बता सकते हैं, क्योंकि हर एक बच्चे हर एक व्यक्ति का जो है अलग अलग हॉबी होती है। हम सभी को जो है अध्यापक नहीं बना सकते हैं, तो हमको ये भी पहचानना होता है कि वो किस दिशा की ओर जो है जा रहा है, उसके अंदर कौन से स्किल जो है ज़्यादा हैं जिनको आगे बढ़ाया जा सकता है, जिनको ट्रेंड किया जा सकता है। तो तभी जो है वो एक अच्छा संबंध जो है सोसाइटी का, विद्यार्थी का, अध्यापक का बन करके आएंगे। बहुत सारी समस्याएं होती हैं समाज में, उन समाज को जो है उस कम्युनिटी को जो है पहचान करके हम उसको उजागर भी कर सकते हैं। समाज में बहुत सारी जो है बेरोजगारी है, ऐसे मुद्दों पर भी बात करना चाहिए। समाज में जो है जो भाईचारा है उस विषय पर बात करना चाहिए। देश के अंदर जो राजनीति है उस विषय पर भी बात करना चाहिए, क्योंकि यदि अध्यापक बात नहीं करेगा, यदि हमारे स्टूडेंट्स बात नहीं करेगा उन मुद्दों पर, तो फिर कौन करेगा? तो ये हमारी अध्यापक की जिम्मेदारी भी है कि हम सामाजिक मुद्दों को भी पर भी बात करें, राजनीतिक मुद्दों पर भी बात करें, आर्थिक मुद्दों पर भी बात करें, हम समाज के अमीर के साथ साथ गरीब के बारे में भी बात करें, मध्यम वर्ग के बारे में बात करें, और उनको एक जो रिजल्ट निकल करके आया उसको समाज को जो है प्रेरित करें, सरकार तक उस आवाज़ को पहुंचाना अध्यापक की जिम्मेदारी है, हमारे साथियों की जिम्मेदारी है, हमारे विद्यार्थियों की जिम्मेदारी है। क्योंकि हम उस स्कूल से ही युवा जो तैयार होते हैं वो राजनेता भी विद्यालय से ही तैयार होते हैं, विश्वविद्यालय से तैयार होते हैं। तो उनको एक पॉजिटिव सोच पैदा करने की ज़रूरत है कि वो ऐसे मुद्दों को उठाएं, सामाजिक मुद्दों को उठाएं, जो मुद्दे जो हैं बहुत अच्छे हों, विकास की ओर जो है ले सकें, और विद्यार्थियों का जो फ्यूचर जो है उज्ज्वल कर सकें, ऐसे मुद्दों की बात जो है की जानी चाहिए। और हमें ये जो है एक फ्रेंडली व्यवहार अपने विद्यार्थियों से करना होगा, अपने समाज के लोगों से करना होगा, तभी हमारे विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारा समाज जुड़ेगा। और इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम जो है सोचना होगा। हमको बड़ी सोच रखनी होगी, हमको इंटरनेशनल सोच रखनी होगी, हमको वर्ल्ड लेवल की सोच रखनी है, लेकिन हमको जो है अपने क्षेत्र में काम करना होगा। आज हम कह रहे हैं कि हमारे जो है दूसरे राज्यों में हम लोग जॉब करने जा रहे हैं, दूसरे देशों में जॉब करने जा रहे हैं, तो ये क्या है कि हमारी इंटरनेशनल सोच है। लेकिन वही उसी सोच को यदि हम अपने ही राज्य में उसको यूज करें तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा जो है विकास होगा। और इसके लिए फिर हमारी, चाहे वो भारत सरकार हो, चाहे हमारी राज्य सरकारें हैं, वो प्रयास कर रही हैं, वो विकास की ओर उन्मुख हो रही हैं। तो ये अध्यापक की जिम्मेदारी बनती है, जिनमें उनका नैतिक कर्तव्य है, विद्यार्थियों का नैतिक कर्तव्य है कि वो ऐसे जो प्रॉब्लम्स हैं, जो समस्याएं हैं, वो सरकार तक पहुंचाएं, और उनको पहुंचाने के बाद जो है उसको इम्प्लीमेंट भी कराएं। केवल लिखने से या कहने से या व्हाट्सएप पर करने से काम नहीं होगा, तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। आप बड़ा सोचेंगे, इंटरनेशनल सोचेंगे, लेकिन अपने स्तर पर काम करेंगे तो हमको दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में जाने की आवश्यकता इतनी नहीं होगी जितने कि आज हम लोग जो हैं दूर जा रहे हैं। हम अपने उस राज्य का विकास कर सकते हैं, हमारी जो कैपेसिटी है हम उसके विकास के लिए, अपने देश के विकास के लिए जो है उसमें अपना योगदान कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज जो है बात हो रही है शिक्षक की, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात जो है आज ज़्यादा हो रही है, आज ऑनलाइन एजुकेशन्स की बात हो रही है, तो दोनों में बहुत ही गहरा संबंध है, दोनों एक दूसरे के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। दोनों का जो है एक दूसरे के बिना काम नहीं चल सकता है। टेक्नोलॉजी बिना शिक्षक के नहीं हो सकती, टेक्नोलॉजी बिना संसाधनों के नहीं हो सकती। इसके लिए हमको फैसिलिटेट करना होगा अपने विद्यालयों को, अपने विश्वविद्यालयों को, अपने कॉलेजों को,
अभी हमारे यदि हम उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में दून विश्वविद्यालय में एडिशिएट के माध्यम से अभी सभी कॉलेजों में जो है उसको जोड़ा जा रहा है, वहाँ से शिक्षक के माध्यम से वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से जो है अध्यापकों को उनकी क्लासें आवंटित की जा रही हैं, अध्यापक वहाँ से जो है वीडियो के माध्यम से या लेक्चर्स के माध्यम से अपने विद्यार्थियों से जुड़ रहे हैं और वहाँ पर अनेक स्मार्ट क्लासें जो हैं बन रही हैं, राज्य सरकार स्मार्ट क्लासें जो है बना रही हैं। तो इसी प्रकार से सभी राज्य सरकारें देश में जो हैं इस एजुकेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, स्मार्ट क्लास के बारे में जो है काम हो रहा है, बहुत सारे प्रोजेक्टर्स, बहुत सारी ऑनलाइन एजुकेशंस वहाँ पर जो है तैयार की जा रही हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं शिक्षक और ऑनलाइन एजुकेशन टेक्नोलॉजी आपस में संबंधित हैं, आपस में जुड़ी हुई हैं। इससे हम बच्चों के प्रवेश से लेकर के पाठ्यक्रम को पूर्ण करने, उनके असाइनमेंट करने, उनके जो है परीक्षा आयोजित करने, परीक्षा परिणाम आयोजित करने तक जो है ये एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। अभी हम एक एग्जाम्स के बारे में आपको थोड़ा बताएंगे कि जैसे अभी जब हम परीक्षा जो काफ़ी होती हैं, उत्तर पुस्तिकाएं होती हैं, उनको जब हम इवोल्यूशन करते हैं तो पूरी एक ड्राफ्ट हम लोग जो है बनाते थे और उसमें पूरे डिटेल्स लिखते थे। लेकिन अभी क्या हुआ, कुछ विषयों में उन्होंने जो है इस जो सीट होती हैं ओएमआर सीट, उस ओएमआर सीट के माध्यम से उसमें सिर्फ हमको 1-2-3 नंबर दिए होते हैं, उसको सिर्फ टिक करना होता है, उसके आधार पर जो है एक बड़ी आसानी हो गई है मार्क्स चढ़ाने की। उसी प्रकार से बहुत सारे जो हैं अभी ऑनलाइन या OMR के माध्यम से जो है परीक्षाएं आयोजित हम लोग करा सकते हैं। OMR जो है एक अच्छा माध्यम है बच्चे को जो है ऑनलाइन कराने का। बहुत सारे विश्वविद्यालय, बहुत सारे कॉलेज जो हैं इस दिशा में कार्य भी कर रहे हैं। तो ये हम लोग जो है टेक्नोलॉजी की तरफ जो है बढ़ रहे हैं। जी सर, एक मिनट, अभी हमारा ऑनलाइन सेशन चल रहे हैं। हाँ हाँ, आगे भी ये उम्मीद है कि रहेंगे हमारे ऑनलाइन, तो आगे आने वाले टाइम में जो रोजगार की समस्या है वो आगे तो निपट जाएगी। आदत तो पढ़नी नहीं, सरकार आदत डलवाएगी, क्योंकि अभी जो ड्राफ्ट तैयार हो रहा था जनवरी 2020 में, ये ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से भारत सरकार इसको संचालित करने जा रही थी, तो इसका कहीं ना कहीं जो हमारी फेस टू फेस एजुकेशन हम ले रहे थे, डिस्टेंस मोड के माध्यम से ले रहे थे, वो कहीं ना कहीं कन्वर्ट होने जा रही थी ऑनलाइन एजुकेशन में, जिसको आज के समय ने वही मैं उसी पॉइंट पे मैं आना चाह रहा हूँ, कहीं ना कहीं क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन का तो अभी कुछ था ही नहीं, लेकिन जनवरी 2021 में ये रेगुलेशन भारत सरकार लेकर के आने वाली थी और लाएगी, वो फेस टू फेस एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन के साथ साथ जो है ऑनलाइन एजुकेशन भी शुरू करने जा रही है। तो यदि ऑनलाइन एजुकेशन हो जाएगी तो यहाँ उत्तराखंड में बैठा व्यक्ति, उत्तर प्रदेश में बैठा व्यक्ति या हरियाणा में बैठा व्यक्ति जो है वो हो सकता है वो दिल्ली के बड़े विश्वविद्यालय में, JNU में, बनारस यूनिवर्सिटी में, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में और बड़े बड़े जो हैं फॉरेन के विश्वविद्यालय हैं वहाँ पर प्रवेश ले सकता है हमारे इन अपने आसपास के विस्तार लगते हैं। तो एक बड़ी आज़ादी बच्चे को जो है मिल जाएगी इससे ऑनलाइन एजुकेशन। देखिए फेस टू फेस मोड तो चलेगा, सभी चीज़ें चलेंगी, लेकिन एक रास्ता बच्चे के लिए खुल रहा है ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से, तो ये अच्छा माध्यम भी है। थैंक यू सर। देखिए ये आपका बहुत ही जेन्युइन चीज है, इससे कहीं ना कहीं हमारे जो फेस टू फेस जो इंस्टीट्यूट हैं, देखिए आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट्स के जितने विश्वविद्यालय हैं, जो कॉलेज हैं या प्राइवेट इंस्टीट्यूट खुले हैं, उन पर तो निश्चित रूप से इफेक्ट पड़ेगा और वो इस चिंता का विषय है, वो चिंतित भी हैं कि उन्होंने इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया हुआ है, इतनी सारी फैसिलिटी उन्होंने तैयार की, इतना स्टाफ्स उनके पास हैं, तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट तो आने ही वाला है और इसके लिए हमको कहीं ना कहीं तैयार होना ही है।
हमको हो सकता है अपने आप को अपडेट करना होगा, हमारे अपने आप को अपडेट इस तरीके से करना होगा कि हम ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से कहीं ना कहीं जो है अपने आप को एडजस्ट करना होगा। तो ये इफेक्ट तो पड़ना ही है, ये सोच तो बढ़नी ही है परंपरागत स्कूलों में, संस्थानों को, ये तो निश्चित है सर। और इसमें तो बहुत ज़रूरी है कि ऑनलाइन एजुकेशन निरंतर एक बहुत तेज़ी के साथ जो है इधर बढ़ेगी। अभी आपने देखा होगा कि जो हमारे प्राइवेट जो फार्म भरे जाते थे, यद्यपि कहना चाहिए कि प्राइवेट जो है वो कोई चीज़ नहीं होती है, हमारे UGC में नहीं आता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या और अन्य राज्य जो हैं इस तरीके से प्राइवेट के माध्यम से जो है वो अप्लाई करवाते थे, लेकिन उसको जो है अब UGC ने देखा कि ये तो हमारे यहाँ बच्चा जो है कहीं एडमिशन नहीं होता है, कहीं इनरोल नहीं होता, और सीधे परीक्षा फॉर्म भर देता है और वो उसको जो है पास हो जाता है, मार्कशीट मिल जाती है। तो ये उसने कहा कि ये गलत है। तो वैसे विद्यार्थी भी जो है वो कहीं ना कहीं वो उन्होंने डिस्टेंस मोड की तरफ जो है कन्वर्ट कर दी है, डिस्टेंस मोड में उन्होंने ट्रांसफर कर दिया कि आप अपने प्रवेश जो यदि रेगुलर नहीं ले सकते तो आप जो है डिस्टेंस मोड में लेंगे। तो ऐसे ही विद्यार्थी डिस्टेंस मोड के साथ साथ जो है वो ऑनलाइन एजुकेशन में भी चले जाएंगे, ऑनलाइन एजुकेशन में वो ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं हो, जैसे लाखों की संख्या में जो है विद्यार्थी प्राइवेट फॉर्म भरते हैं तो वो ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ चले जाएंगे, और उतने ही विद्यार्थी रेगुलर तो पढ़ाई होगी ही होगी, रेगुलर एजुकेशन साथ साथ चलती ही रहेगी, ये सारी चीज़ें। सर एक क्वेश्चन और था मेरा, छोटा जी जी बताइए सा क्वेश्चन और थे जी। कि जैसे ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम स्टार्ट हुआ है, मैंने काफी सारे कंपनीज में बात किया है, उन लोगों का जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर सारा डिपेंडेंट है, हाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर वो नहीं कर पा रहे, या फिर डिफरेंट लैंग्वेज के ऊपर कुछ नहीं कर पा रहे हैं वो, तो वो हमारा कितना सक्सेसफुल रहेगा? देखिए, ऑनलाइन एजुकेशन अभी हम जैसे बात करेंगे, अभी हम देख रहे हैं कि UGC, हम अपनी ही एजुकेशन उसकी बात करेंगे, नेट की, UGC के द्वारा जो नेट चलाया जा रहा, पहले हम देखते थे कि वो जो है UGC नेट रिटर्न के आधार पर कराती थी, ऑब्जेक्टिव टाइप कराती थी, सब्जेक्टिव कराती थी, थियोरटिकल कराती थी, और रिटर्न वहाँ पर होता था, और तब हमारा जो है बच्चा वो नेट कर पाता था, नेट का एक सर्टिफिकेट उसको प्राप्त होता था। उसी प्रकार से आज भी ऑनलाइन हमारी नेट के माध्यम से जो है ऑनलाइन के माध्यम से नेट की परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं, और वही क्वालिटी, वही योग्यता जो है बच्चे में देखने को मिल रही है, बल्कि इसका ये नहीं कह सकते कि ऑब्जेक्टिव यदि होगा तो क्वालिटी में कहीं कमी आ जाएगी, तो क्वालिटी तो रहेगी, बल्कि मुझे लगता है कि ज़्यादा बच्चे को पढ़ना पड़ेगा थियोरटिकल की अपेक्षा, क्योंकि उसमें पूरा उसको कोर्स को पढ़ना पड़ेगा, हर चीज़ को उसको पढ़ने पड़ेगा। सर मैं कहना चाहता हूँ कि ये जुगाड़ू बीएड है जो कि शिक्षक जो है देश का कंधा है, और इस जुगाड़ू बीएड से हम कैसे निजात कर पाएंगे? नहीं, जुगाड़ू बीएड, 90% जो है बीएड स्टूडेंट क्लास में नहीं जाते हैं हाँ और टीचिंग नहीं करते हैं, तो जी क्या एक सकारात्मक दृष्टि से वो शिक्षक बनकर और क्या बच्चे को क्या पाएंगे? देखिए, अभी हम हम सब भी नहीं है सर, तब देश का विकास करने के लिए शिक्षक जब तक अच्छा नहीं होगा, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अच्छा नहीं होगा, तो हम इससे कैसे निजात कर पाएंगे सर? कि हम लोग चारों तरफ ये देखते हैं कि बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, लेकिन मेरा ये कहना है कि जिसके अंदर स्किल है, जिसके अंदर योग्यताएं हैं, वो निश्चित रूप से वो जॉब प्राप्त करेगा। रही बात इस तरीके से, अभी आप देखेंगे कि 1999 के बाद बहुत सारे प्राइवेट विश्वविद्यालय जो बीएड कॉलेज खुले थे, बंपर तरीके से खुले थे, और वहाँ पर जो है वो उन्होंने उनको बीएड कराया, उनको रोजगार प्राप्त कराया। तो जरूरी नहीं है कि रोजगार प्राप्त करने के बाद भी वो सही तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग, समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग पॉजिटिव तरीके से काम करता है, अच्छी शिक्षा लेता है, और उस अच्छी शिक्षा का प्रभाव जो है हमारे समाज पर पड़ता है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत सारे बच्चे जो हैं सिर्फ सर्टिफिकेट प्राप्त कर रहे हैं, सिर्फ जो है साइकोलॉजिकल क्वालिटी उनके अंदर नहीं आ रहा है, कैसे मनोवैज्ञानिक सोच उनके अंदर नहीं होनी थी। शिक्षक तो एक ट्रेनिंग का माध्यम है, जिसको शिक्षक बनना है ये तो उसके अंदर से ही निकलता है कि मुझे जो है समाज की सेवा करनी है, मुझे बच्चों की सेवा करनी है, मुझे देश की सेवा करनी है, मुझे राष्ट्र की सेवा करनी है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में पढ़े, चाहे वो पब्लिक जो प्राइवेट संस्थानों से अध्ययन करे। लेकिन होता है क्या कि विद्यार्थी ही बच रहा है कि वो उस संस्थान में न जाए
और बिना संस्थान में जाए, बिना साइकोलॉजी पढ़े, बिना फिलॉसफी पढ़े, बिना एसीटी पढ़े, बिना रिसर्च किए जो है वो सर्टिफिकेट प्राप्त करें, तो ये हमें अपने पॉजिटिव सोचना होगा, इस निगेटिव दृष्टिकोण जो है हमारा इससे अलग होना होगा, ये खुद को सेल्फ को जो है करना होगा। पॉजिटिव तरीके से हम जाएंगे विश्वविद्यालय कॉलेज का जाएंगे तो व्यवस्था होती है, वहाँ पर पढ़ाई हो रही है, निश्चित रूप से हमारे शिक्षक हमारे संस्थान वहाँ पर जो है पढ़ा रहे हैं, तो ये हमें अपने अंदर से ही महसूस करना कि नहीं मुझे अच्छा व्यक्ति बनना है, ये खुद को ही करना होगा। जी सर, हाँ सर, मेरा प्रश्न यही था सर कि क्या ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम परंपरागत शिक्षा प्रणाली का स्थान ले सकता है? देखिए, परंपरागत शिक्षा का स्थान कोई नहीं ले सकता है, ये तो एक रास्ता निकलता रहता है। जिस तरीके से अभी हमने बताया कि परंपरा शिक्षा होती थी गुरुकुल में होती थी, उसके बाद धीरे धीरे बड़े बड़े जो हैं बौद्ध स्तूप बने, वहाँ पर हुई मुस्लिम शिक्षा हुई, तो ये एक रूप परिवर्तन होता रहता है, लेकिन परंपरागत तब से चली आ रही है और कितने वर्ष हो गए हैं, आज भी परंपरागत शिक्षा हमारे देश में विद्यमान है, तो परंपरागत शिक्षा तो रहेगी। डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से हो रहा है, ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से हो रहा है, ऑफलाइन एजुकेशन के माध्यम से हो रहा है, घर बैठ के शिक्षा हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ रहेंगी, ये सारी चीज़ें रहेंगी, लेकिन परंपरा शिक्षा अपने स्थान पर बनी रहेगी, वहाँ पर विद्यार्थी जाएगा, वो अध्ययन करेगा, वो रहेगा, उसको हम नहीं समाप्त हो सकते, क्योंकि इतने समय से हम ये सोच सकते हैं जब परंपरा प्राचीन काल से नहीं हुई तो इतने आसानी से ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ जो है इतना परसेंट बच्चा कैसे चला जाएगा। हर बच्चे के पास वो सब सारी चीज़ें फैसिलिट नहीं हो सकती है, क्योंकि यदि गांव की तरफ आप देखेंगे तो गांव में वो सारी चीज़ें अभी आज के दौर में भी नहीं हैं, और बच्चे के पास वो सारे जो है ये स्मार्टफोन, ये लैपटॉप, ये प्रोजेक्टर्स बहुत सारे के पास नहीं है, और बहुत सा बच्चा निश्चित रूप से पढ़ना चाहता है। क्वेश्चन प्लीज सर, हाँ, तो वो पढ़ना चाहता है, तो ये कहीं ना कहीं इसका रूप नहीं ले सकती है। जी बताइए। हाउ टू सेव अवर हेल्थ ड्यूरिंग द ऑनलाइन एजुकेशन? ओके ओके मैम, देखिए, हेल्थ की तो हमारी ही जिम्मेदारी बनती है, बल्कि ऑनलाइन एजुकेशन में तो हमारे पास समय भी बहुत कुछ मिल रहा है, क्योंकि यदि हम घर से काम कर रहे हैं तो हम अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। ये नहीं कि ठीक निश्चित 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक हमको विद्यालय में रहना है, कॉलेज में रहना है, हम अपने हेल्थ को जो है सुबह मॉर्निंग वॉक पे उठ करके बाबा रामदेव जी का योगा दे सकते हैं, घूम सकते हैं, खुद भी अपने आप को जो है योग कर सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, जहाँ हम 10 बजे से कक्षाएं लेते थे हम 11 बजे से पढ़ सकते हैं, तो फिजिकल रूप से एक्टिविटीज के लिए हमारे पास बहुत समय मिल सकता है, हम 8 घंटे अपनी नींद ले सकते हैं, हम 9 घंटे सो सकते हैं, हम हमारे पास इतना समय होता है, जैसे मुझे नहीं लगता कि किसी भी कार्य के लिए व्यक्ति के पास समय का अभाव है, यदि वो चाहता है तो उस पर्टिकुलर टाइम में वो अपने शरीर को भी स्वस्थ रख सकता है, अपने मस्तिष्क को भी स्वस्थ रख सकता है, अपनी एजुकेशन को ले सकता है, अपनी पारिवारिक अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को भी निभा सकता है, बल्कि हमारे पास अब अधिक समय है अपनी हेल्थ को रखने के लिए, हम अब उस बाउंड्री से कहीं ना कहीं दूर हो रहे हैं कि हमको 10 बजे के बाद जो है वहाँ पर एंट्री नहीं मिल रही, या टीचर्स हमको डांटेंगे कि आप 10 बजे के बाद जो है विद्यालय का गेट बंद हो गया, उस बाउंड्री से भी हम उठ रहे हैं, तो हम स्वतंत्र हैं, और जब व्यक्ति के अंदर स्वतंत्र होती है, फ्री माइंड होता है, तो निश्चित रूप से उसकी हेल्थ, उसका माइंड ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करता है, स्टूडेंट्स के ऊपर प्रेशर नहीं होता है, टीचर्स के ऊपर प्रेशर नहीं होता, अब 10 बजे का वो बायोमेट्रिक सिस्टम खत्म हो गया है, आप चले जाइएगा 10:30 बजे, ज़रूरी नहीं कि आप 4 बजे बैठें, 4:30 तक भी बैठ सकते हैं, 5:30 तक भी बैठ सकते हैं, तो एक निर्धारित समय पर ये हमारे अपना एटीट्यूड है कि हम कितना समय दे सकते हैं, तो पूरा समय इसमें जो है दिया जा सकता है, हेल्थ के लिए काफ़ी समय सर यहाँ पर मिल रहा है, योगा का समय सबसे ज़्यादा जो है समय मिल रहा है। जी